हम सॉरी जी हम 32वीं गाथा के यहीं थे। हाँ हाँ, हमारी चर्चा समय सार 32वीं गाथा हो गई थी हमारी, जितेंद्रिय जिन जित मोह जिनो छीण मोह जिन, हमारी इस पे चर्चा हो रही थी लास्ट टाइम, हुई थी चर्चा हमारी कि सर जी हाँ, और हम 32वीं कौन थोड़ी अर्थी। जो भी हाँ, तो 33वीं पे हमारी ये चर्चा चल रही थी, जिद मोहस दुखैया खीणो मोहो हविज साहुस, तैयाहु खीण मोहो बण दिसो अनिच्छय विदुहिम। देखिए, जिनवाणी के पढ़ने में एक बात अवश्य है कि सदैव क्या होता है, कोई भी चीज सरल तो होती नहीं, इवन जिनवाणी तो थोड़ी थोड़ी कठिन तो है ही है। तो इसमें हम ये विचार करें कि समय सार यद्यपि कठिन है और इसको समझने के लिए उपयोग की सूक्ष्मता और एकाग्रता की अत्यंत आवश्यकता होती है। अब जैसे हम अभी जो प्रकरण पढ़ रहे हैं निश्चय व्यवहार न्याय का, तो इसमें निश्चय स्तुति और व्यवहार स्तुति की बात हो रही है। अधिकांशतः क्या होता है कि सामान्य बुद्धि ऐसा बोलती है कि जो चीज समझ में ना आए उससे भाग जाओ, परंतु जिन लोगों ने जिनागम को आत्मसात किया है उनका वो अपने अनुभव के आधार से इस बात को हमें बताते हैं कि जिनागम लगातार पढ़ते रहने से और समझने की बुद्धि होने से कोई यदि सामान्य बुद्धि वाला भी है तो उसकी भी बुद्धि तीव्र हो जाती है। कहा भी है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से कोई लगातार प्रयास करे तो समझ में ना आने पर भी, प्रारंभिक अवस्था में समझ में ना आने पर भी कुछ काल पर्यंत उसे समझ में आने लगता है। इसी तरह से यद्यपि अज्ञानी जीव है, ये व्यवहार स्तुति को ही सही स्तुति मानता था, निश्चय स्तुति की इसी जानकारी नहीं थी, लेकिन आचार्य ने इसे निश्चय स्तुति समझाई और अब ऐसा माना जा रहा है कि उस अज्ञानी को निश्चय स्तुति का भी ज्ञान हुआ है। इसमें जो 33 नंबर की गाथा है, इसमें हमने देखा था 32 33 की दोनों एक साथ चल रही थी हमारी, कि मोह को जो जीत जाने ज्ञान में निज आत्मा, जित मोह जिन उनको कहें परमार्थ ज्ञायक आत्मा। सर्वमोह क्षय हो जाए जित मोह सम्यक श्रवण का, तब क्षीण मोही जिन कहें परमार्थ ज्ञायक आत्मा। तो ये इसमें कि जो मुनि मोह को जीत कर अपने आत्मा को ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य भावों से अधिक जानता है, भिन्न जानता है, उस मुनि को परमार्थ के जानने वाले जित मोह कहते हैं। 3 शब्द आए हैं, आप लोग इनको याद भी रख लीजिए। जित मोह की यहाँ परिभाषा बताई जा रही है कि जो मुनि मोह को जीत कर अपने ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य भावों से अधिक जानता है, भिन्न जानता है, उसे जित मोह कहते हैं। तो अगर इसे हम साधारण शब्दों में कहें तो जो भी जो मुनिराज जो सम्यक दृष्टि जो ज्ञानी जिसने मोह पर विजय प्राप्त कर ली है और मोह पर विजय प्राप्त करके अपने आत्मा को ज्ञान स्वभाव के द्वारा जानता है और वह अन्य द्रव्य भावों से अपने आप को अधिक जानता है, दूसरे पदार्थों को नहीं जानता, उसको जित मोह कहते हैं। फिर क्षीण मोह की परिभाषा आई कि जिन्होंने मोह को जीत लिया है ऐसे साधु के जब क्षीण मोह होकर सत्ता में नष्ट हो तब उस साधु को निश्चय नहीं के जानकार क्षीण मोह कहते हैं, अर्थात मोह नष्ट हो जाता है, कर्म की अवस्था नष्ट हो जाती है, अर्यंत अवस्था आ जाती है, उनको क्षीण मोह कहते हैं। 3 प्रकार के शब्द यहाँ हमने चर्चा की थी पिछली बार, आपको याद होगा। 3 प्रकार के जिन होते हैं, एंड ऑलवेज आई होप ऑलवेज दीज 3 टाइप्स ऑफ जिन वी मस्ट रिमेम्बर, जितेंद्रिय जिन, जित मोह जिन और क्षीण मोह जिन। तो जितेंद्रिय के हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी थी कि जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है द्रव्य और भाव उन्हें जितेंद्रिय जिन कहा था, जिन्होंने मोह को जीत लिया है और अपनी आत्मा को पर पदार्थों से अधिक जानते हैं वो जित मोह जिन हैं, वो जिनका मोह क्षीण हो गया है वे क्षीण मोह जिन।
दीज थ्री टाइप ऑफ जिन वेन एवर यू विल लिसन एनी आध्यात्मिक चर्चा, डीप आध्यात्मिक चर्चा, सो दीज थ्री टाइप्स ऑफ जिन आर डिस्कस्ड ऑलवेज देयर बिकॉज वी आर जस्ट प्रेइंग टू गॉड फ्रॉम निश्चय पॉइंट ऑफ व्यू. सो वेन एवर वी विल लिसन अबाउट निश्चय स्तुति, सो दीज थ्री टाइप्स ऑफ जिन विल बी डिस्कस्ड ओवर देयर. तो इस तरह से ये जो 3233 की गाथा है, ये चूंकि परमार्थ को समर्पित है, अर्थात निश्चय नय के लिए ही ये हमें बता रही है कि किस तरह से निश्चय नय की स्तुति के द्वारा तीन प्रकार के जिन की स्तुति की जाती है. सर जी, यहाँ पे एक बात प्रश्न था कि जितेंद्री और जितमो जब हम कहेंगे तब मुनि को मानेंगे, और शीन मो कहेंगे तब हम अरियंत या केवली भगवंतों को मानेंगे, ऐसा ऐसा मानना ठीक होगा? हाँ, इसमें आगे आया है, अभी जब हम टीका पढ़ रहे हैं ना, तो टीका में उन्हें क्लेरिफाई किया है, ये ऐसे सही है. ये तो टीका पढ़ते हैं अपन. देखिए अर्थ, मैं आपको एक एक वो दूंगा, समय सार का वर्जन दूंगा, वो इजी है पता है, तो ठीक अपन है उससे पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा. अभी मैंने सर यहाँ जी। समय सार, डिजिटल है क्या? डिजिटल मतलब हाँ पीडीएफ है डिजिटल है आपके ना, पास? नेट पे भी अवेलेबल है, समय सार वो है, तो मैं भेज दूंगा आपको मैं. हाँ ठीक है सर जी, आप वो शेयर कीजिए तो हम उनसे शेयर कर देते हैं। उसमें आपके पास जो हिंदी में जो ट्रांसलेशन है ना वो ज़्यादा है उसमें, राइट? हाँ तो पहले मैं भी इसी से ले रहा था, भी यहाँ साधना नगर में आप प्रवचन समय सार पे चल रहे हैं प्रतिदिन, तो फिर मैंने जब उससे लेना चालू किया जो दूसरी टीका है, और तो उससे लोगों को बड़ा इजी हो गया, तो मैंने सोचा कि अपनी क्लास में भी अवेल इंट्रोड्यूस है. ठीक है सर जी। हाँ, तो इसमें जो जो भी टीका लिख रहे हैं आचार्य अमृतचंद, तो वो ऐसा कहते हैं कि जो मुनि फल देने की सामर्थ्य से उदय रूप होकर भावक पने से प्रकट होते हुए मोह कर्म के अनुसार भेद ज्ञान के बल से दूर से अलग करके, जिस प्रकार मोह का बलपूर्वक तिरस्कार करके समस्त भाव्य उत्कीर्ण विश्व के ऊपर तिरते हुए प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान अविनश्वर स्वतः सिद्ध. और परमार्थ से भगवान ज्ञान स्वरूप के द्वारा परमार्थ से सर्व अन्य द्रव्यों से भी अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, वे निश्चय से जित मोह. और ये दुहावा ये पढ़ा है मैंने, तो इसमें एक एक शब्द का हम अर्थ देखते हैं. जो मुनि फल देने की सामर्थ्य से उदय रूप होकर भावक पने को प्रकट हुए मोह कर्म के अनुसार प्रवृत्ति वाले अपने भाव्य रूप आत्मा, तो भाव भावक था ना, कर्म भावक था और आत्मा जो था भाव्य था, तो उन्होंने जिन्होंने भेद ज्ञान के बल से उस कर्म के एक पने को दूर से ही अलग कर दिया है, तो यहाँ एक शब्द आया है टीका में, मोह का तिरस्कार किया है. इस प्रकार बलपूर्वक मोह का तिरस्कार करके, एक मिनट में वो अगर मिलता है ना तो अभी देता हूँ, तो अभी क्या आप लोगों को इजी अभी के अभी हो जाएगा. एक मिनट. हाँ मिल गया, बहुत कम इसमें 1.3 MB का है, मैं देता हूँ. हाँ ठीक है साहब जी, आप शेयर कीजिए, मैं अभी मतलब आप शेयर कीजिए, मैं अभी के अभी उसको चेंज कर देता हूँ। दे दिया मैंने. हाँ सर जी, आप तो उसमें ना पेज नंबर 80 निकाल लीजिए आप, वो ये शेयरिंग चेंज कीजिए
और पेज जी नंबर 80 निकालिए। हाँ सर, जवाब जी 1 मिनट। 80 पे आई थिंक ये पूरा, ये तो 36 हो गया था। 1 मिनट, समय सार में पेज नंबर 86 निकालना है। सर आपने यहाँ पे 32 70, का था, तो यहाँ पे 75 है आई थिंक। 70, एक बस मिनट, नहीं 80 सेवेंटी दिख गया, 80 आ गया ना, ये तो आ गया, 80 आ गया था अभी। सर जी 80 आया, लेकिन 80 में 36 गाथा चल रही है। अच्छा मेरे पास वर्जन दूसरा है क्या? 1 मिनट, 33 गाथा निकाली, 32 हाँ सर जी, 33 ये 33, वही 33 आ गए। ये रही 75 या 70, ये रही 33 या 34, ये रही 33। ये 27, 28, 30, 1 मिनट, 32, 33। यहाँ पे है 32, 33 सर जी, ये रही। जितेंद्र जी दिख रहे हैं नहीं? मैं तो इसमें पेज नंबर कितना है, 73 73 है। है। हाँ सर जी, इसका एक पेज और करीब आगे पढ़ी है, 74 उसमें आएगा जो हम पढ़ रहे हैं। हाँ सर, हाँ सर जी, ये रहा जो मुनि फल देने के समात उदय रूपों का। हाँ तो पढ़िए, ये पढ़िए। और कौन है, तो और कोई पढ़ सकता है? प्रीतेश जी हैं, प्रीतेश जी पढ़ पाएंगे आप? अभी कंफर्टेबल है? जी सौरभ जी, मैं थोड़ी निकलने की गड़बड़ में, वहां पे कुकिंग के हाँ लिए नहीं जाना भाई, है ना। वैसे तो मैं पढ़ता हूँ सर, अच्छा सॉरी। आपको भी जाना हाँ है? हाँ ओके कोई बात नहीं, आप पढ़िए, कोई हाँ बात मैं लेट हो गया थोड़ा, क्योंकि मुझे घर पे हेल्प करना पड़ा थोड़ा, नहीं, तो कोई अभी बात नहीं, आप निकलूंगा। रेगुलर क्लास में आते हैं नहीं? हाँ मुझे पता है, कुछ भी हो जाए लेकिन आप आते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, जितेंद्रिय जिन, जित मोह जिन और शीन मोह जिन। जित मोह जिन और शीन मोह जिन के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली इन गाथाओं के भाव को आत्मख्याति टीका में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। जो मुनि फल देने की सामर्थ्य से उदय रूप होकर भावक पने से प्रकट होते हुए मोह कर्म के अनुसार प्रवृत्ति वाले भाव्य रूप अपने आत्मा का को भेद ज्ञान के बल से दूर से ही अलग करके, इस प्रकार का बलपूर्वक तिरस्कार करके, समस्त भाव्य भाव भावक संकर दोष दूर करके एकत्व में कंकोटकिन विश्व के ऊपर तैरते हुए प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान अविनश्वर स्वतः सिद्ध और परमात्म रूप भगवान ज्ञान स्वभाव के द्वारा परमात्म से सर्व अन्य द्रव्यों से अपने भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, वे निश्चय से जित मोह जिन है, यह दूसरी निश्चय स्तुति है। आगे बढ़ो सर जी। हाँ देखिए, अब इसको नहीं, बस हम इस जो मुनि फल देने की सामर्थ्य से, तो इसमें जो बताया अभी कि उन्हें मोह को बलपूर्वक तिरस्कार करके, अब ये बलपूर्वक क्या होता है? तो बलपूर्वक का मतलब ये होता है कि जो मुनि पुरुषार्थ के द्वारा, बलपूर्वक तिरस्कार करके, अर्थात पुरुषार्थ के द्वारा जिन्होंने ये जाना कि ये जो रागादिक भाव है ना, ये मेरे नहीं है, और जो पर पदार्थ है ना उससे मुझे संबंध तनिक भी रखना नहीं है, या ये पदार्थ मेरे हो ही नहीं सकते, हैं ही नहीं, तब वहां जो कहा गया यहाँ कि बलपूर्वक, का तात्पर्य पुरुषार्थ पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, यत्न पूर्वक उनने उसको मोह को दूर किया है। अब उसको समस्त भाव भावक संकर दोष दूर कर दिए, मतलब कर्म और
अपने आप को एक मान रहा था, तो उसे बोल रहे थे हम भाव में भावक शंकर दोष, और फिर कह रहे हैं तो हुआ क्या फिर, तो बोले एकत्व में टंकोत्कीर्ण। ये शब्दावली आप लोग याद रखिए, आगे ग्रंथ में बहुत हमें इसमें उपयोगी होने वाली है। एकत्व में टंकोत्कीर्ण, सो दिस वर्ड टंकोत्कीर्ण विल बी यूज्ड एट वेरियस प्लेसेस इन फ्यूचर इन सम उन समय सार। टंकोत्कीर्ण मतलब स्थाई, स्थिर, कभी न मिटने वाला, अमिट, अनादि। तो कह रहे हैं एकत्व में टंकोत्कीर्ण, एकत्व में टंकोत्कीर्ण अर्थात आत्मा अपने आप में स्थिर है, अनादि है, एक है, उसको कोई कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई हटा नहीं सकता, टाल नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता, कोई चाहे भी तो उसमें किसी प्रकार से अन्न द्रव्य का प्रवेश संभव नहीं है, ऐसा एकत्व में टंकोत्कीर्ण है। ये हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करते रहते हैं इस बात की कि दुनिया में, मैं लौकिक रूप से बात कर रहा हूं, तो टू गेट सक्सेस इन आवर वर्ल्डली लाइफ इज नॉट सो डिफिकल्ट एज पीपल यूजुअली थिंक, इफ दे क्लोजली वॉच और रिव्यू द प्रिंसिपल्स और रूल्स ऑफ सक्सेस एंड इफ दे फॉलो दोज रूल्स विथ अटरमोस्ट फेथ, दे विल डेफिनेटली गेट सक्सेस एज वेरियस मोटिवेशनल गुरु जस्ट सेड अराउंड माय सेमिनार। वो लोग वहां क्या कहते हैं कि भाई आप विशाल के सफल व्यक्तियों के आप उदाहरण उठा के देख लो, ये रूल ऐसे काम करता है। तो जिसको विश्वास होता है कि भाई मुझे ऐसा काम करना है, भले ही वे मेरी मान्यता से विपरीत हो रहा, तो भी पिछले 2000 साल से तो इसी रूल पे चलकर हमारे पूर्वजों ने सफलता को अधिगत किया है, मैं भी वैसे ही करूंगा, तो वो एक्चुअल में कर लेता है वो। मैं एक मतलब काफी लोगों से मिलता रहता हूँ, तो प्रीति जी एक किसी से मैं मिला तो ही वॉज क्वाइट वेल्दी, लेकिन आप ऐसे देखेंगे अगर आप उनसे मिलेंगे तो ही इज नॉट सो एफ्लुएंट और गुड इन जस्ट स्पीकिंग इवन हिंदी, वो नॉर्मल, बहुत नॉर्मल लैंग्वेज है हिंदी में भी, कोई लैंग्वेज में ऐसा बहुत सफिस्टिकेशन नहीं दिखा, आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि बहुत कुछ एडुकेशन है, और ऐसे कोई बहुत एक्सपर्ट भी नहीं दिखे, तो फिर भी थोड़ी सी मेरी ऑब्जर्व करने की आदत, तो मैंने कहा इनमें ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा जिसको जिसको फॉलो करके ये इतने लौकिक में सफल हुए। तो फिर मैंने उनके साथ रहा तो मैंने समझा कि उनकी जो काम करने की जो कंसिस्टेंसी थी, वो उनकी जो थी वो बहुत रिमार्केबल थी। तो मुझे समझ में आया कि इनने कोई ना कोई सफलता का एक रूल पकड़ रखा है जिसके आधार से ये लौकिक में इतने सफल हो गए। मैं थोड़ा सा आपको इतिहास बताता हूँ कि एक बहुत शिक्षित होना अलग बात है और धनाढ्य होना अलग बात, शिक्षा के रूल अलग हैं और धन के रूल अलग हैं। जब हम लोग अभी सेमिनार लेते हैं या सेमिनार जाते हैं तो वहां दो चीज हमारे दो तीन पॉइंट बहुत अच्छी तरह से डिस्कस होते हैं कि अगर आपको जॉब तब आप जॉब कर पाएंगे, और अगर आपको ऑनर बनना है तो आपको सब चीजें थोड़ी थोड़ी आना चाहिए, कोई तो ये केस स्टडी हमारी उन सेमिनार्स में बहुत केस स्टडी होती है, और उसमें हम लोग काफी अच्छे कंक्लूजन निकालते हैं कि ऐसा क्यों कि बहुत सारे एडुकेटेड पर्सन है वो बड़ी भयानक गरीबी में रहे। जैसे मैं आपको एक नाम बताता हूँ, एक हिंदी के साहित्यकार हुए हैं सुमित्रा रंजन पंत, आप उनकी रचनाएं पढ़ें, हिंदी के कवि लेखक हुए हैं, आप उनकी रचनाएं पढ़ेंगे तो आप आश्चर्य, फिलोसफिकल शब्दावली उन्होंने जो यूज की है रिमार्केबल, मतलब मैं तो मैं तो कभी वो शब्दावली वैसी लय वैसे भाव कभी डाल ही नहीं पाऊं मैं तो, उनकी एज तक पहुंचते पहुंचते। लेकिन जब मैंने उनके 5 ईयर्स तक भी पैसे से बहुत संघर्ष करते रहे,
जबकि उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ था और बहुत सारे राजनेता नेता सब लोगों से उनके प्रशंसा पत्र घर पर ढेर लगे हुए थे, सबसे पहचान थी, तथापि वो आर्थिक रूप से परेशान थे। और एक एक कवि हुए हैं, अज्ञेय का प्रकरण है, कौन सा है शायद, अज्ञेय है, अज्ञेय भी बहुत फेमस राइटर है, आप नेट पर डालेंगे तो आपको दिख जाएगा, क्योंकि आप अभी लिटरेचर से रिलेटेड नहीं है ना, इसलिए आपको पता नहीं कि ये राइटर भी है। तो मैंने उसमें पढ़ा कि अज्ञेय कुछ लिख रहे थे 3-4 महीने से, तो उनकी पत्नी बगल में आके खड़ी हो गई, बोले क्या कर रहे हो, बोले लिख रहा हूँ। तो उनकी पत्नी बोलती, तो ये लिखने से आपको कितना पैसा मिलेगा, कुछ पैसा तो मिले ताकि मैं घर की कुछ व्यवस्थाएं तो बना पाऊं, कुछ सामान तो ला पाऊं। तो वो इतने बड़े राइटर जिनकी प्रशंसा जो पूरे भारतवर्ष करता था करता है, मुंशी प्रेमचंद एक राइटर हुए हैं, ये तो बड़े फेमस हैं। आजादी के पहले एक किताब इनकी छपी थी, तो वो किताब इतनी फेमस हुई कि उसने पूरे भारत में क्रांति की आग लगाना चालू कर दी। तो अंग्रेजों को रातों रात उसकी पूरी प्रतियां गायब करवानी पड़ी। ये तो उनकी लेखनी की ताकत थी, लेकिन एक दूसरा पार्ट ये भी मिलता है उनकी बायोग्राफी में कि उन्होंने 2 रुपए का लोन लिया था बाजार, तो 2 रुपए का लोन नहीं चुका पाए। ये तो मैं हिंदी कवियों की बता रहा हूँ, आप ऐसे देखेंगे तो इंग्लिश राइटर्स की भी यही हालत, जबकि राइटर तो मतलब ऐसा माना जाता है कि ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। कोई अगर एक किताब लिखे तो हम मानते ठीक है एक धोखे से लिख दी होगी, लेकिन अगर वो किताब है और वो बहुत फेमस है, लोग पढ़ रहे हैं और राइटर के दीवाने हैं, तो हम मान सकते हैं कि वो कितना सोचता है, वो सोचने में कितना लिखता है, फिर उसको करेक्शन करता है। 200-200 पेज लिखने के लिए 1,000 पेज लिखने पड़ते हैं उसको, फिर 1,000। मैंने जब इन पे स्टडी की तो मुझे समझ में आया कि ये लोग पढ़ाई के रूल तो जानते थे, वो उन फॉलो किए तो उस हाइट पे वो लोग पहुंच गए, लेकिन धन संबंधी रूल नहीं जानते थे। यद्यपि वो ये कहते थे कि हमें तो आनंद ना रचना करने में आता है, साहित्य में आता है, हमें धन से क्या मतलब, लेकिन बिना धन के तो उनका परिवार चलता कैसे। तो उनको धन के रूल मालूम नहीं थे, इसलिए वो धनी नहीं हो पाए। कोई भी राइटर जो रहे बड़े बड़े, कोई अमीर नहीं मरता, अधिकतर राइटर जो है जेके रोलिंग आदि जैसे होने लगे, ये कमर्शियल राइटर है, ये तो अमीर हो चुके हैं, 1700-1800 करोड़ की नेटवर्थ हो गई उसकी। मैं ये पूरी राइटर का ये सब चीज कि एकत्व में टंकोत्कीर्ण जो शब्द था ना, हमने उस पर चर्चा की, साहब एकत्व में टंकोत्कीर्ण सिद्धांत, मतलब हमें ऐसा लगता है कि कहां मैं एकत्व में टंकोत्कीर्ण हूं, अभी तो अनेकत्व दिखता है मेरे जीवन में, मुझे अपने जीवन में अनेकत्व दिखाई दे रहा है, अनेकत्व परिलक्षित हो रहा है, मुझे कहां एकत्व है। तो कहते हैं नहीं भैया, आपको ये एकत्व में टंकोत्कीर्ण है, बलपूर्वक आपको मोह हटाकर सिद्धांत करना पड़े। तो हमें भले ही अभी सिद्धांत ना हो, लेकिन अभी जैसे हमने जाना कि कोई यदि आपको ऐसा दिखता है कि ये व्यक्ति में तो बहुत अकल नहीं है, फिर ये धनाढ्य कैसे बना, तो आप समझ जाना कि ये कोई ना कोई रूल फॉलो कर रहा होगा सफलता का, और उसे उस रूल पर पहले सिद्धांत आया होगा और फिर उसको फॉलो कर रहा होगा। आप लोग नेट पर फोर्ड जो है ना, फोर्ड जिनने फोर्ड गाड़ी का इन्वेंशन किया, आप नेट पे उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ना, बायोग्राफी पढ़ना उनकी, तो आपको समझ में आएगा कि मतलब आप लोग इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, भले सॉफ्टवेयर से हैं, लेकिन वो तो मैकेनिक ये थे अपने मैकेनिकली थे ना शायद, कार बनाने को क्या मैकेनिकली बोलेंगे, तो हाँ सौरभ जी, वो आई थिंक मैकेनिकल प्लस इंडस्ट्रियल ऐसे ही थे, राइट? इंजीनियर नहीं थे, बात तो यही, अनपढ़ थे, बताया वो अनपढ़ थे। मतलब ये केस स्टडी तो बड़ी फेमस है कि जब मतलब ऐसे देखें तो पूरे वर्ल्ड को अगर फोर व्हीलर का कंसेप्ट अगर किसी ने दिया ना, तो फोर्ड ने दिया, मतलब गाड़ी का इन्वेंशन और गाड़ी कैसे बनेगी ये तो फोर्ड ने दिया। तो वो एक एक तो घटना उनकी बड़ी फेमस है कि उनने कहा कि साहब जो इतना स्पेस है ना, इसमें 1 सिलेंडर या 2 सिलेंडर की हम गाड़ी बनाते हैं, इसमें 8 सिलेंडर आना चाहिए।
तो वो बोलते उनके इंजीनियर सर इम्पॉसिबल है ये। नहीं 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 मुझे नहीं पता, आप लोग इसको इतनी इतनी जगह में 8 सिलेंडर लाएंगे ताकि हमारी कार की पावर बढ़ सके। 6 महीने तक उसका रिजल्ट जीरो रहा। उनने कहा नहीं आएगा, देखो ऐसे आएगा, देखो ऐसे आ सकता है। आप जानते हैं 3 साल मेहनत करते करते वैज्ञानिकों को आश्चर्य हुआ कि वो फोर्ड की पॉजिटिविटी से और जिद्दीपन से और उनकी परिकल्पना शक्ति से, वो चूंकि नहीं जानते थे कुछ भी, वो बन गए 8 सिलेंडर के इंजन बन गए और आज हम वो ही चला रहे हैं। सभी वो एक और उनका ये भी था कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट है ना, जो असेंबली का, वो पूरी असेंबली लाइन बना के प्रोडक्शन कितने जल्दी बने, कार सस्ती इसलिए बने, वो जो कंसेप्ट है वो बहुत यूनिक था। मतलब दूसरे लोग मतलब वो नहीं कर सकते थे कि इतने मिनट में पूरी असेंबली लाइन होके इतनी कार्स आउटपुट हो सकती है, तो वो उसके लिए वो बहुत फेमस हो गए। हाँ, एक पत्रकार ने एक बार उनको छेड़ा कि भाई आप तो अनपढ़ हैं, फिर इतनी बड़ी इंडस्ट्री कैसे चला रहे हैं, कोई है जो आपके पीछे चला रहा है? तो बोले कल ऑफिस में आ जाओ मुझे। तो ऑफिस में आया वो, तो बोले मुझे सब आता है, पूछो क्या पूछना है। तो उसने कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछा होगा, तो फोर्ड ने घंटी बजाई। तो उनके मैनेजर आया, तो बोले भाई ये कुछ पूछ रहे हैं, इसका आंसर दो। तो आंसर दिया, तो बोले आपने कहा दिए? तो आपके मैनेजर ने दिए। तो बोले भाई किस मैनेजर को रखना है वो तो मैंने डिसाइड किया ना। तो बोले मैं काम करना भले ही नहीं जानता हूँ, लेकिन काम किससे कराना कैसे कराना वो जानता। तो उनने एक समझ लो एक पूरी पृथ्वी के इतिहास में उनने एक अपना ऐसा नाम लिख दिया कि कारों का इन्वेंशन करके उनने सबको ये बता दिया कि भाई एक नई चीज वो दे सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जो टंकोत्कीर्ण की बात आ रही है ना, तो वो उस व्यक्ति ने शब्दात्मक रूप से कोई डिग्री ना थी उसके पास, फोर्ड के पास कोई पढ़ाई लिखाई ना थी, तथापि उसे अपनी परिकल्पना शक्ति पे, पॉजिटिव माइंडसेट पे और सफलता के जो रूल फॉलो करता था उस पर पूरा विश्वास था। इसी तरह से भले ही हम अभी बहुत ज्ञानी नहीं है, भले ही हम बहुत स्वाध्यायी नहीं है, तथापि यहाँ ये कह रहे हैं कि आप बलपूर्वक एक तो मोह का दमन करो और दूसरा मैं एकत्व में टंकोत्कीर्ण हूं ये विश्वास करो, है ना। एकत्व में टंकोत्कीर्ण हूं मतलब मैं स्थायी हूं, मैं मुझ में अस्थायी पने का नाम नहीं है। ऐसा सिद्धांत तो एटलीस्ट हमें होना ही चाहिए कि मैं एकत्व में टंकोत्कीर्ण हूं। फिर क्या है, विश्व के ऊपर तिरते हुए प्रत्यक्ष उद्योतमान से सदा अंतरंग में प्रकाशमान अविनश्वर स्वतः सिद्ध और परमार्थ रूप भगवान ज्ञान स्वभाव के द्वारा परमार्थ से सर्व अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। मतलब ये कितने सारे विशेषण हैं, ये पूर्व जो दिए ना, एकत्व में टंकोत्कीर्ण, विश्व के ऊपर तिरते हुए प्रत्यक्ष से उद्योतमान, सदा अंतरंग में प्रकाशमान, अविनश्वर स्वतः सिद्ध और परमार्थ रूप से भगवान ज्ञान स्वभाव के द्वारा परमार्थ से सर्व अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। वो इन सारे द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का जो अनुभव करते हैं, उनको यहाँ कहा जा रहा है वे निश्चय से जित मोह जिन हैं। और ये यहाँ दूसरी प्रकार की स्थिति कही गई है। हाँ, आगे का पढ़ते हैं। पूर्वोक्त विधान से आत्मा में से मोह का तिरस्कार करके, पढ़िए सौरभ जी आप पढ़िए, पूर्वोक्त विधान से आत्मा में से जी सर जी, लास्ट पैराग्राफ। पूर्वोक्त विधान से आत्मा में से मोह का तिरस्कार करके पूर्वोक्त ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों से भिन्न आत्मा का अनुभव करने से जो आत्मा जित मोह हुआ है, जब वही आत्मा अपने स्वभाव की भावना का भली भांति अवलंबन करके मोह की संतति का ऐसा आत्यंतिक विनाश करता है कि फिर उसका उदय ही ना हो, इस प्रकार भाव रूप मोह पूर्णतः क्षीण हो। बिल्कुल तब भाव विभावक भाव का भाव होने से एकत्व में टंकोत्कीर्ण परमात्मा को प्राप्त हुआ वह आत्मा क्षीण मोह जिन कहलाता है। यह तीसरी निश्चय स्तुति है। हाँ देखिए, तो हमने जित मोह जिन समझा, यहां कह रहे हैं क्षीण मोह जिन। तो पूर्वोक्त विधान से आत्मा में से मोह का तिरस्कार करके,
पूर्वोक्त विधान से, तो ये बताया ना यहाँ कि बलपूर्वक उसे बोल रहे हैं यहाँ पूर्वोक्त विधान से। थोड़ी सी देखिए भाषा इसकी ना साहित्यिक रहेगी, क्योंकि ये संस्कृत का सीधा अनुवाद है ना, तो अनुवाद वैसा साहित्यिक रहेगा। तो आप लोग जैसे हम हर एक फील्ड की एक अलग टर्मिनोलॉजी होती ना, जैसे मैं हिंदी जानता हूँ लेकिन मैं जो वैद्य की हिंदी है उनकी टर्मिनोलॉजी नहीं जानता। मुझे खैर जानने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि मुझे जानना नहीं है, कुछ कार्य नहीं है उससे मुझे। हाँ कभी कार्य होगा तो मुझे वहां यही बताया जाएगा कि देखिए आपको यहाँ की शब्दावली से परिचित होना पड़ेगा, तब आप जो वैद्य विशारद है आप उसमें एक्सपर्ट हो पाएंगे। इसी तरह से ये जिनागम की शब्दावली है, ये हिंदी से अलग है, मतलब हिंदी में ये शब्दावली नहीं मिलेगी। यूजुअली क्या होता है प्रदेश जी की, जब कभी किसी से नॉर्मल लोगों से बात होती है तो ये वाले शब्द मेरे निकल जाते हैं मुझसे कभी कभी, तो वो बोलते हैं, तो मैं बोलते हैं गलत क्या बोला मैंने ना, अच्छा, फिर मैं उसको थोड़ा सा इजी करके बताता हूँ। तो ऐसे यहाँ जो शब्द आया ना पूर्वोक्त विधान से, अब पूर्वोक्त जनरली कोई यूज नहीं करता बोलचाल की भाषा में, तो यहाँ का पूर्वोक्त, पूर्व में उक्त, इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो पूर्व में कहा गया। पूर्व में क्या कहा गया, पूर्व में कहा गया है कि भैया आपको बलपूर्वक मोह को का शमन करना पड़ेगा, आपको बलपूर्वक मोह का तिरस्कार करना पड़ेगा, आपको पुरुषार्थ के द्वारा मोह का तिरस्कार करना पड़ेगा, है ना। तो पुरुषार्थ की बात तो सब जगह आती है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जब हम पढ़ेंगे तो आखिरी में उसमें 9वें अधिकार में एक प्रकरण दिया है, बड़ी पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति, तो उसमें बताया कि भैया पुरुषार्थ से ही हो पाएगा आपका मोक्ष जाने का काम। तो ऐसे यहां कह रहे हैं अभी आप ये मत बोलना कि मेरा मोह जब नष्ट होना होगा तो हो जाएगा। यहाँ तो आचार्य कह रहे हैं बलपूर्वक तिरस्कार करके आपको ना मोह का बलपूर्वक तिरस्कार करना पड़ेगा, मतलब पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब आपका जो है मोह दूर होने वाला है। यहाँ अगर हम संस्कृत में शब्द देखें तो ऐसा है भावस्य व्यावर्तनेन हटान्य मोहम, हटान्य मोहम मतलब हट पूर्वक बलपूर्वक, हटान्य मोहम शब्द है मूल में इसमें। तो पूर्वोक्त ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों से भिन्न आत्मा का अनुभव करने से जो आत्मा जित मोह हुआ है, ज्ञान स्वभाव बता दिए उन्होंने, एकत्व में टंकोत्कीर्ण है। तो पहले जो ज्ञान स्वभाव कहा गया उसके द्वारा अन्य द्रव्यों से भिन्न आत्मा का अनुभव करने से जो आत्मा जित मोह हुआ है, अब जब वही आत्मा, वो जित मोह आत्मा अपनी आत्मा के स्वभाव की भावना का भली भांति अवलंबन करके मोह की संतति का आत्यंतिक विनाश करता है कि फिर उसका उदय ही ना हो। क्या कहा कि जब हम काम करते जाते हैं तो काम करने का एक नियम है कि प्रारंभिक काल में हमें उस काम की जो ग्रोथ दिखती है ना, उस कार्य की, बहुत धीमी दिखाई देती है। सबको पता है धीमी दिखाई देती है। जैसे एक मेरा मित्र है, राइटर है, वो तो बॉलीवुड में राइटर है, कल उससे बात हो रही थी मेरी, तो जस्ट मैंने पूछा उससे भाई कैसी राइटिंग चल रही, तो बोले मैं अभी कुछ मूवीज और कुछ जो है वेब सीरीज लिख रहा हूँ मैं, लेकिन बोले कंपटीशन इसमें बहुत ज्यादा है। तो है भी और नहीं भी है, तो मैंने कहा है कैसे, तो बोले कि हर साल यूं मान लो आप 100 राइटर्स आते हैं और 100 में से बस अगली साल तक 3 सरवाइव कर पाते हैं। तो मैंने कहा क्यों भाई 3 सरवाइव क्यों कर पाते हैं, 97 राइटर्स ना क्विट करके अपने अपने बैक टू पवेलियन हो जाते। तो उसने बताया कि इसमें पेशेंस चाहिए, ये लोग कंपाउंडिंग की पावर नहीं समझ पाते हैं, इम्पेशेंस हो जाते हैं, साल 2 साल 3 साल में उनको रिजल्ट्स चाहिए। और जो राइटर अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं कि भाई हमें तो राइटिंग लिखना है, हमें तो अच्छा लिखना है, और वो कई रिजेक्शंस के बाद भी वो टिके रहते हैं, बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, कम कीमत में अपनी राइटिंग को लोगों को देते हैं, तो बोले वो राइटर टिके रहते हैं।
तो वो बता रहा था कि पेशेंस से अगर कोई यहाँ समझो, फिर एक टाइम तो ऐसा आता है कि जब हमें 2 4 5 7 साल 8 साल 9 साल हो जाए हमें इंडस्ट्री में, तो फिर तो हमारी कंपाउंडिंग की ऐसी साइकिल बनती है कि हमें असिस्टेंट रखने पड़ते हैं। हम लिखवाते उनसे, फिर हम चेक करते हैं कि भाई ये क्या लिखा, तो माना ऐसा जाता है कि मैंने लिखा है। तो ऐसे ही आत्मा में हम समझें कि इस आत्मा ने बलपूर्वक मोह का तिरस्कार किया था। ज्ञान स्वभाव को जाना और उस ज्ञान स्वभाव के द्वारा उसने पर द्रव्यों को अपने आप से भिन्न किया। अब क्या इसका एक समझ लीजिए कंपाउंडिंग की किसकी साइकिल बन गई है। अब वही आत्मा अपने स्वभाव की भावना का भली भांति अवलंबन करके मोह की संतति का ऐसा अत्यंतिक विनाश करता है। अत्यंतिक विनाश करता का मतलब क्या कि अब इसकी एक कंपाउंडिंग की साइकिल बनी है, तो अब ये एकदम से ऊपर दिखने लगा। मतलब आप यूं मानिए कि वो, मैंने चाइनीज बैम्बू का आप लोगों को उदाहरण दिया था कि चाइनीज बैम्बू जो है ना, वो 4.5 साल तक तो दिखता ही नहीं है, वो जमीन के नीचे रहता है, वो बीज ही प्रस्फुटित नहीं होता, और 6 महीने में वो 70 फीट का हो जाता है। तो ऐसे ही ये जितेंद्रिय जिन और जितमोह जिन आत्मा एकदम से दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो अंदर अंदर काम कर रहे हैं। वो उनका जितमोह जिनका जो मोह नष्ट हो रहा है पुरुषार्थ के द्वारा, जो भेद ज्ञान कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो हो रहा है उनका काम। अब एकदम से क्या हुआ, अपनी आत्मा के स्वभाव का भली भांति अवलंबन करके मोह की संतति का ऐसा अत्यंतिक विनाश करता है। अत्यंतिक मतलब अब सर्व था पूरी तरह से। अब हमें क्या लगता है, जनरली हमें क्या लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कल तो ये गृहस्थ में थे, मुनि बने और इनको एक क्षीण मोह हो गए, ये कैसे संभव है। बहुत साधारण सा नियम है देखिए कि आपके यहाँ प्राइवेसी का बहुत कंसेप्ट है ना, आपके यहाँ नहीं, सारी वेस्टर्न कंट्रीज में, भारत में तो सब लोग आपस में रहते हैं मिले जुले, तो यहाँ प्राइवेसी का ही से इशू नहीं है। हाँ, एक वेल्थी परिसर, बाकी यहाँ सब पब्लिक ही रहता है, तो सब प्राइवेसी की। यहाँ बड़े आदमी को पहचानना एक बड़ा असंभव नहीं तो मुश्किल है, क्यों नहीं, कई सारे ऐसे दिखते हैं कि जो है नहीं और वो दिखते नहीं और वो हैं, तो कई सारे तो मेरे भी प्रत्यक्ष देखे हुए हैं। वो समझ लो कि कुछ नहीं थे, कल्पना से परे गए। तो अब लोगों की तो, जनरल लोगों की तो गॉसिपिंग की क्या आदत है, ठीक है छीना होगा। जैसा कि मैं बोलता हूँ, मेरी आदत रहती है, तो चले जाते पूछते हैं, हाँ साहब काय किया था आपने एकदम से कैसे। अरे सरोज जी, 15 साल पहले यहाँ यहाँ इन्वेस्ट, मेरी साधा उनके हो बस दिखना पड़ेगा। वो साहब इतना ज्यादा हो गया कि अब वो दिखने ही लगा लोगों को, तो लोगों को ऐसा लगा मैं से कुछ कहा है, मैं तो 5 साल से हूँ, लोगों को दिखने लगा। प्रोफेसर मनके कर करके हैं, आप नेट पे देखेंगे तो मिल जाएगी उनकी केस स्टडी। तो प्रोफेसर है वो, प्रोफेसर की सैलरी तो कितनी हो सकती है, सोच लो आप टीचिंग की फील्ड में। जैसे आपके यूएस में भी कोई प्रोफेसर रहेंगे ना, तो कोई भी यूनिवर्सिटी में उनकी इंडियन रुपीज में 3 साढ़े 3 लाख की सैलरी हो सकती है, यहाँ भी ऐसे ही है। लेकिन आप उनका अगर देखेंगे तो उनका पोर्टफोलियो 2,000 करोड़ के करीब करीब पोर्टफोलियो है उनका। तो मतलब लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य का विषय है ये कि यार एक स्कूटर पे घूमने वाला आदमी और कैसे 2,000 करोड़ की कैसी उसकी हो सकती है, तो वो पता कैसे चला।
कि क्या होता है जब कोई भी होल्डिंग किसी भी कंपनी की 2% से ज्यादा हो जाए तो सरकार उसको पब्लिक पोर्टल पर डाल देती है। तो लोगों ने नाम देखा होगा कि साहब ये पब्लिक पोर्टल पे नाम है, कौन है प्रोफेसर बन के, तो थोड़ी रिसर्च हुई, तो रिसर्च में जो पब्लिक पोर्टल पे होल्डिंग आ गई थी उसकी वैल्यू 1000 करोड़ थी। तो अजम्पशन लगाया गया कि ये तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में थी, ये फिर बहुत सारे वेल्थ एवेन्यू उनके पास होंगे तो उसकी करीब 2-2.5 हजार करोड़ की एक नेटवर्थ होना चाहिए। तो वो अच्छा, लोग उसमें कहते भी होंगे अरे साहब ये तो एकदम से पैसे वाले दिखने लगे, कोई चोरी की होगी। खैर इसमें तो कोई चोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि पूरा जो अमाउंट है वो तो वाइट में ही रहता है, सरकार के सामने रहता है। फिर भी कहने वालों का क्या है, तो उसमें तो सिंपल सी केस स्टडी है प्रोफेसर मनके करके की, साहब वो तो 1985 से इन्वेस्ट कर रहे हैं विदाउट फेल, मार्केट गिरे उठे कुछ हो विदाउट फेल ही वॉज इन्वेस्टिंग सिंस 1985। तो वो पढ़ाना उनका चालू है, मतलब सैलरी उनकी उस समय रही होगी यही 2-4, 10-20 हजार, लेकिन जो आता था जो प्रॉपर्टी मिली सब इसमें इन्वेस्ट करते थे। आज वो इतने बड़े बने तो दिखने लगे कि साहब इतने बड़े कैसे, कुछ ना कुछ किया होगा। तो भाई आप थोड़ी दृष्टि सुधारो अपनी, उनने अभी कुछ नहीं किया, इनने पिछले 25-30 साल से पुरुषार्थ पूर्वक है दुनिया की दिशा से विपरीत, जहां दुनिया पूरे जीवन के मजे लेने के लिए अपने सब कुछ पैसे उड़ा देती है घूमने फिरने में, वहां उनने कहा भाई मजा तो अपने ज्ञान में है और उन्होंने जोड़ा पैसा। तो आज ये केस स्टडी की हम चर्चा कर रहे हैं उनकी, कुछ इसी तरह से ये उदाहरण मैंने आप लोगों को जो दिया वो मैंने आपको क्षीण मोह जिनको समझाने के लिए दिया कि साहब क्षीण मोह जिनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि वो क्षीण मोह जिन एकदम से दिखने लगते हैं कि यार ये तो ज्ञानी हो गए, यार ये तो इनका तो कर्म क्षय हो गए, एकदम से नहीं हुआ है उनका जो मोह क्षीण हुआ है वो तत्काल नहीं हुआ, एकदम से नहीं हुआ, हमें दिखने लगा एकदम से। वो तो उनकी तो आत्मा की आराधना, उनका पुरुषार्थ तो सालों से चल रहा था, हमें भले ही ना दिख रहा हो। तो उनका इस प्रकार से आत्यंतिक विनाश हुआ उनके कर्म का, आत्यंतिक का मैंने आप लोगों को बता दिया कि आत्यंतिक विनाश हुआ और ऐसा विनाश हुआ कि फिर उदय ही ना हो। ऐसा अत्यंतिक विनाश हुआ कि फिर उदय ना हो, कभी नहीं आएगा वो। इस प्रकार भावक रूप मोह कर्म, भाव भावक शंकर दोष की चर्चा कर रहे थे ना, भाव में भावक मोह कर्म, तो मुझ भावक भाव्य में से मोह रूपी भावक सदा के लिए चला गया। सब भाव भावक भाव का अभाव होने से एकत्व में टंकोत्कीर्ण परमात्मा को प्राप्त हुआ, वह आत्मा क्षीण मोह जिन कहलाता है ना। आप लोग रिलेशंस बराबर जोड़ के रखिए, हम लोग निश्चय से स्तुति कर रहे हैं भगवान की, और ये निश्चय से जो स्तुति है बहुत आध्यात्मिक स्तुति कर रहे हैं, मतलब कोई साधारण बुद्धि वाला ये विचार भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता कि भगवान की स्तुति इस रूप में की जा सकती है कि हे भगवान आप तो जितेंद्रिय जिन हैं, आज आप लोग अभी मंदिर जाएं तो आप लोग ये स्तुति कर सकते हैं, आप कर भी सकते हैं, दूसरों को बता भी सकते हैं, हे भगवान आप तो जितेंद्रिय जिन हैं, हे भगवान आप तो जित मोह जिन हैं, हे भगवान आप तो क्षीण मोह जिन हैं, आपने तो अपने कर्मों का सदा के लिए, कर्मों की संतति मोह की संतति, संतति अर्थात परंपरा, मोह की परंपरा अनादिकाल का मोह ऐसा अत्यंतिक नष्ट किया है, अत्यंतिक अर्थात सर्व था, कभी नहीं आने वाला मोह वो सर्वथा नष्ट किया है, अब आपके भाव भावक भाव का भाव हो गया है, मैं भाव था मोह कर्म भावक था, अब अलग हो गए ये दोनों, अलग थे दिखने लगे हैं। मैंने बताया ना जब जब भाई किसी के पास जाए कि वो कितने छुपाने की कोशिश करे तो वो दिख जाएगा ना, वो तो भाई आईटीआर भरेगा तो वो तो बहुत ज्यादा किसी ने टैक्स पे कर दिया तो सरकार उसको भी पब्लिक, अब उनका मोह क्षीण हो गया दिखने लगे वो, और उससे क्या हुआ
एकत्व में टंकोत्कीर्ण परमात्मा को प्राप्त हुआ वह आत्मा आया। गाथाओं में जहां जहां मोह का शब्द प्रयोग किया, तो पढ़ते सौरभ जी पढ़िए इसको इस प्रकार। सर जी, गाथाओं वाला पैराग्राफ पढ़ना है ना, गाथाओं में जहां मोह का पद। हाँ, गाथाओं में जहां मोह का प्रयोग किया है। गाथाओं में जहां मोह पद का प्रयोग हुआ है, उसके स्थान पर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय शब्दों को रखकर 11 11 गाथाएं बनाकर उनका भी इसी प्रकार व्याख्यान करना तथा कर्ण, चक्षु, घ्राण, रसना और स्पर्शन इन 5 इंद्रियों को भी मोह पद के स्थान पर रखकर इंद्रिय सूत्र के रूप में 5 5 गाथाएं पृथक से बनाना और उनका भी पूर्ववत व्याख्यान करना। हाँ, वो तो इसमें डिटेल दिए कि गाथाओं में जहां मोह पद का प्रयोग हुआ है, तो मोह से तात्पर्य केवल मोह नहीं है, उसे मोह आदि बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना पंडित टोडमल जी की विद्वत परंपरा, तो उस विद्वत परंपरा में पंडित टोडमल जी हैं, दौलत राम जी हैं, सदा सुखदास जी हैं, पंडित जयचंद जी आदि हैं, जितने विद्वान हैं, कैलाश चंद जी हैं, ये सारे जितने विद्वान हैं ना, वो उसमें सबकी परंपरा आ जाती है, सबके नाम आ जाते हैं। ऐसे ही यहाँ जो मोह शब्द का प्रयोग हुआ है, तो मोह आदि है इसका पूरा अगर हम नाम लेंगे तो मोह आदि। मोह आदि मतलब राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नौकर्म, है मन, वचन, काय, ऐसे 11 हो गए। तो लगभग 11 11 गाथा कथाएं बना कर उनका भी इस प्रकार से व्याख्यान करना, और कर्ण, चक्षु, घ्राण, रसना और स्पर्शन की 5 गाथाएं बनाकर तो मोह के स्थान पर वो रखना, तो इंद्रिय सूत्र में 5 5 गाथाएं पृथक से बना और उनका भी व्याख्यान करना। खेल बताया सारा है, का भाव किया, पुरुषार्थ पूर्वक द्वेष को जीता, पुरुषार्थ पूर्वक क्रोध को जीता, तो ये इसमें उन्होंने बताया डिटेल, बाकी सब में ऐसा आएगा। तो इस तरह से 16 16 गाथाएं बनाकर विस्तार से व्याख्यान करना, और इस प्रकार से 16 गाथा के अलावा भी आपको और कोई इस प्रकार से बनती है तो आप उसके विचार कर लें। तो इसमें बस ये और पढ़ लेते हैं चीज भी। इस प्रकार 26वीं गाथा में आरंभ हुआ स्तुति का प्रकरण निश्चय व्यवहार स्तुति की विस्तृत व्याख्या के उपरांत समाप्त होता है। अतः आचार्य अमृतचंद इस प्रकरण के उपसंहार रूप में 2 कलश काव्य लिखते हैं, जिनमें संपूर्ण वस्तु का उपसंहार करते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। हाँ, अब देखिए गाथाओं का व्याख्यान तो यहाँ समाप्त हुआ, तो आचार्य अमृतचंद जो थे ना, ही वॉज रियली वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट, ही इंस्टेंटली ही अंडरस्टूड द गाथा ऑफ आचार्य कुन कुन एंड ही रॉट टीका ऑन दैट। इन स्पाइट ऑफ राइटिंग टीका इन परफेक्ट एंड डिटेल्ड एंड एक्सप्लेनेटरी मैटर, ही थॉट दैट समथिंग इज मिसिंग, सो दैट टाइम ही डिसाइडेड टू राइट कलश कलश टू क्लैरिफाई दिस सब्जेक्ट इन मोर क्लियरिटी। उन्होंने उपसंग रूप में 2 कलश भी उन्हें प्रस्तुत कर दिए वहां। तो इस प्रकार से 26 निश्चय व्यवहार का था, अभी ये पूरा प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ। 26 प्रकरण जो था वो यहाँ घर मतलब अंत अंत इस प्रकरण के अंत के रूप में उनने जो है 2 कलश लिखना है। ये अगली बार पढ़ेंगे कलश। बाकी अभी जो प्रकरण होगा इसके अभी की आप लोगों को निश्चय व्यवहार स्थिति कितनी समझ में आई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, निश्चय और व्यवहार स्थिति को समझना।
तो चलिए मिलते हैं हम लोग 27-28 नंबर के कलश के साथ। तब तक आप लोग बराबर मंदिर जाइए और निश्चय और व्यवहार स्तुति दोनों का लाभ लीजिए, स्वयं समझिए और दूसरों को भी समझने में आप सहायता कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछिए, नहीं तो हम अभी क्लास अपनी बंद सर कर तो सकते। क्वेश्चन नहीं, लेकिन आप हम जब आपने जैसे कहा ना, जैसे बाम्बू का एग्जाम्पल दिया कि शूट हो जाता है, तो मैं ऐसे ही इसे मानता हूँ कि जित मोह से जब क्षीण मोह होना होता है, मतलब 8वें से सीधा जो 11वां 12वां, मतलब 10वें और 11वां 12वें तक जो जो क्षीण मोह की तरफ आगे बढ़ते हैं, मतलब मोह का नष्ट होता है, वो एक थोड़ा एक प्रकरण ऐसा समझ में आ रहा है मुझे। हाँ बराबर है, आदमी को अभी तो साधारण से ही दिख रहे हैं ना, वो तो ग्रस्त अवस्था में है, साधारण दिख रहे हैं, मुनि अवस्था में है। तो आप यूं समझो, ऐसा कौन कल्पना कर सकता है इस बात की कि सुबह जिन मुनि ने आहार लिया दोपहर में उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। कौन कल्पना कर सकता है कि भाई सुबह हमने उन मुनिराज से बात की, आहार के पश्चात हमने उनका आशीर्वाद लिया, हमने उनसे बात की, उनसे उनकी सुख साता पूछी, हमने तत्व चर्चा की, और दोपहर में 2 बजे हमने सुना मोक्ष चले गए। वो तो कैसे हो सकता है, ऐसा हुआ है ना? उनने पुरुषार्थ पूर्वक सालों से, वर्षों का, जन्मों का उनका कंपाउंडिंग हो रहा था पुरुषार्थ, और बस अभी एकदम से उनका पुरुषार्थ बढ़ा और मुक्ति को प्राप्त तो हो गया। वो तो ऐसा ही है, मेमो वाला जो एग्जाम्पल दिया इसमें। हमारे ठीक साथ है, भी ऐसा ही होगा, हमारा जो है ना कंपाउंडिंग पीरियड चल रहा है। हाँ सर जी, धीरे 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 वो बनते रह रहा है, अच्छा है, हमारा क्लास चलते रहता है। चलिए लेते हैं हम लोग जिन्होंने। हाँ जिन्होंने सती हाँ धीरे देखिए ने आप लोग एकदम रेगुलर आते हैं क्लास में। सर जी, हाल लेकिन कितना समय है? था जब स्टार्ट कर रहे थे तब हमको पता भी नहीं था, मतलब इतने गाथा आगे आगे जाएंगे और दो दो ग्रंथ साथ में चल रहे हैं, सो बहुत ही सब बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा लग रहा है बहुत स्लो चल रहा है, बट अगेन इतनी डिटेल में हम उसकी चर्चा कर रहे हैं और उसका इफेक्ट भी धीरे धीरे आता ही है। नहीं ये तो ऐसे ही चलेगा, कठिन है ना सब्जेक्ट, जल्दी क्या चलाएं इसको, एक एक शब्द हम व्याख्या करेंगे तो टाइम तो लगेगा, क्या करें मतलब हाँ सर इसको जी, जल्दी कैसे चलाएं। ये तो सभाओं में 3-3, 4-4 साल तो सभाओं में चलता है, जहां रोज प्रवचन होते हैं, पता है प्रतिदिन जहां प्रवचन होते हैं वहां मिनिमम 2 साल लगते हैं। तो हमारी तो हफ्ते 15 दिन में एक बार क्लास हो रही। राइट और हम साथ में कलश भी ले रहे हैं। कलश भी ले रहे हैं अपन। चलिए बढ़िया, तो लेते हैं जिनवाणी स्तुति हम। हाँ सर, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। जय जिनेंद्र सभी को, थैंक यू सौरभ जी। जय श्री नरेंद्र।